दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफ़िन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजणन खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो ऐं सतावो थिए रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन पारां इमदाद अली ओडो अवां खे भलीकार चवां थो सामईन सिंध जो कौमी दानिश्वर ऐं समाज सुधारक अॻवाण नसीर मेमण बरतानिया जे दौरे ते आयल आहे गुज़िरियल ॾींहुं सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप पारां लंदन में सीपेक मनसूबो ऐं सिंध जे सिरे हेठि लेक्चर जो अहतमाम कयो वियो डॉक्टर अली रज़ा मीरजत जनरल सेक्रेटरी प्रोग्राम जी शुरुआत कई सामईन पाकिस्तान चाइना तालुकात सीपेक जा सिंध मुल्क तोड़े खिते में पवंदड़ असरात इन खां सवाए सिंध अंदर पीपीपी सरकार जी कारकर्दगी सिंधी माण्हुनि जी बेवसीअ खां सवाए सिंधी समाज में शऊर जी अघ भराई ऐं पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति सोच पैदा थियण बाबति साईं नसीर मेमण जो मालूमात सां भरपूर काराइतो लेक्चर अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं सभिनी खे वेलकम नसीर साहबु तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं हमेशह तव्हां महिरबानी कंदा आहियो ऐं जॾहिं वेंदा आहियो त टाइम ॾींदा आहियो असांखे ॿिया बि जेके असांजा बुज़ुर्ग दोस्त आहिनि ऐं साईं इजाज़ साहबु साईं करोड़ साहबु वांझाणी साहबु ऐं अदी मेतलो ओडो साहबु अॼु जो ख़ासि टॉपिक आहे नसीर जी ख़ुशूसियत इहा आहे त हमेशह नओं ऐं करंट अफेयर्स ते असांखे इंफॉर्मेशन ॾींदो आहे शेयर कंदो आहे पोइ असीं हुन में क्रॉस क्वेश्चन कंदा आहियूं केॾी महिल जेका असांजी ॻाल्हि सम्झ में कान ईंदी आहे सो अॼु सी पेक जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते रेफरेंस टू सिंध खे जेके फ़ाइदा थी सघनि था या नुक़सानु थी सघनि था या सिंधियुनि खे छा करणु घुरिजे या कीअं फ़ाइदो वठणु घुरिजे त सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप जो ई प्रोग्राम इन लाइ तमामु इम्पोर्टेंट आहे जो असीं हिनखे काफ़ी दोस्तनि ऑलरेडी असांखे चयो आहे त
नसीर जूं लिखणियूं तमामु मज़बूत हूंदियूं आहिनि, त इन हवाले सां प्रोग्राम बि शेयर कयो वञे, जेको ओटो साहिबु प्रोग्राम अॼु रिकॉर्ड कंदा। त पहिरियों डॉक्टर अली गुल मित्रो, असांजो प्रेसिडेंट सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप, खे गुज़ारिश कंदसि त बाक़ाइदा महिमाननि खे भलीकार चवनि ऐं प्रोग्राम जी शुरूआत कनि। साईं महिरबानी, अलाह अचनो विझनि आहे मन सरो थिए। नसीर साहिब जी हमेशह महिरबानी रहंदियूं आहिनि, जॾहिं बि ईंदा आहिनि असांजे लाइ टाइम कढंदा आहिनि। ॿियनि दोस्तनि सभिनी जी महिरबानी। ॿियो हिते ब्लूमबरी सोसाइटी आहे पाकिस्तानी, हिते फैकल्टी ऐं स्टूडेंट्स वारी, उहे हेल्प कंदा आहिनि बुकिंग वग़ैरह में, उन्हनि जी बि महिरबानी। ऐं असांजी भेण आहे डॉक्टर सनम अवाण, असांजी नई मेंबर थी आहे, फस्ट टाइम मुंहिंजी बि मुलाक़ात थी अथसि, उनखे बि आउं वेलकम थो कयां। पंज छह महीना अॻु में हिते हिकिड़ो वर्कशॉप थियो सीपेक ते, ऐं उन में बलोच पर्सपेक्टिव, उन ते हिकिड़ी प्रेज़ेंटेशन हुई। ऐं बलोच हिकिड़ो हिते आहे, पी एच डी आहे, उन पंहिंजो बलोच पर्सपेक्टिव ते ॻाल्हायो। पश्तून पर्सपेक्टिव, उन ते हिकिड़ो को डॉक्टर काकड़ आहे, उन ॻाल्हायो। हिकिड़ो उर्दू स्पीकिंग हुयो स्कॉलर, उन बि ॻाल्हायो। ऐं हिकिड़ो ॿ टे पंजाबी स्कॉलर्स हुया, उन्हनि ॻाल्हायो। काफ़ी सुठी प्रेज़ेंटेशन्स हुयूं सी पेक ते। सो मां बि उन में हुयुसि, पोइ वरी पूरो थियो त मूंखे दोस्तनि चयो, थो त सुवाल ई को कोन कयो। मां सिंधी पर्सपेक्टिव हुयो ई कोन, त हीउ सुवाल खणण जो कहिड़ो। चई पोइ असांखे ख़बर ई न पए, तव्हांखे ख़बर न आहे त सिंध बि पाकिस्तान में आहे। त हिकिड़ो ॿई पासा आहिनि, त असांजी रिलीवेंस क़ौमी मसइलनि में आहे कोन, रीजनल मसइलनि में आहे कोन, ग्लोबल मसइलनि में आहे कोन। उन में कुझु कोताहियूं असांजियूं आहिनि, ॿियो वरी जेके मथे वेठा आहिनि उन्हनि जो बि जेका रवश आहे उहा साॻी हेठि बि अचे थी। त हिते जेके माण्हू आहे उहे त न के नॉन गवर्मेंटल माण्हू हुया, पर सभु क़िस्म जा माण्हू आहिनि। स्वास खे असां चवंदा आहियूं त भई इहो सॼी दुनिया जी इंटेलिजेंस एजेंसीस जो मर्कज़ आहे। हर तबियत जो माण्हू अचे हिते, पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश करे वेंदो आहे या हितां जी एक्टिविटीज़ कंदो आहे। कॾहिं कॾहिं को वॾो वाक़ियो बि थी वेंदो आहे, त कलाकनि जे नोटिस ते असां वरी हिते हुते गॾु करे इनफॉर्मल खां कचहरी कंदा आहियूं। मूंखे यादि आहे असां जॾहिं ज़रदारी शहबाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट डिज़ॉल्व कई पंजाब में, त फ़ोन कयो त भई जल्दी कयो अचो त सूरत हाल ते ॻाल्हायूं। त मां बि हुयुसि उन में हुयुसि, त जेके ज़रदारी खे ज़रदुख़्तर गारियूं पिया ॾियनि उन असांजी मीटिंग में। त ईअं असां मतिलबु हिते स्वास में एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि। सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप असांजो हिकिड़ो रेगुलर फीचर आहे मीट एंड ग्रीट जो, त जेके बि दोस्त ईंदा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे शोबे में, उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन हूंदो आहे रिमार्केबल, त असां उन्हनि खे इनवाइट करे ऐं उन्हनि खां कुझु सिखंदा आहियूं, अपडेट थींदा आहियूं। ऐं उन में उहो एक्रॉस द बोर्ड हूंदो आहे, उनजो को सियासी वाबस्तगियूं या उहो न हूंदो आहे। उन में इहो बि न आहे हूंदो त असां हुन सां मुतफ़िक़ हुजूं, इहो बि न हूंदो आहे त को ख़ासि कंहिं फील्ड जो हुजे, पर इहो
असांजो इहा कोशिशि हूंदी आहे त दोस्तनि खे गॾु कयूं ऐं अप टू डेट थियूं ऐं नयूं नयूं ॻाल्हियूं थियूं। ॿियो असांजो जेको मां सोचींदो आहियां त असां सभिनी जो डिफरेंट बैकग्राउंड आहे, मकतब फ़िक्र मुख़्तलिफ़ थी सघनि था ऐं नुक़्ते नज़र मुख़्तलिफ़ थी सघे थो, आउटलुक मुख़्तलिफ़ थी सघे थो, शयुनि खे असां हर पंहिंजे ज़ाविये खां ॾिसूं था, पर अल्टीमेटली त असां नेशन बिल्डिंग जी ॻाल्हि था कयूं न। मसलन तव्हां आहियो ज़ुल्फ़िकाराबाद ते ॻाल्हाईंदा आहियो, मां उन जी हिमायत में ॻाल्हाईंदो आहियां, ठीकु आहे, पर शयूं इतां ई इवाल्व थींदियूं न। असांखे पंहिंजा जेके केस आहे जंहिंखे अपडेट करिणो हूंदो आहे, पंहिंजो सिंधी माण्हुनि जो हक़नि जी जदोजहद जो जेको केस आहे उहो त सभिनी जो गॾियल आहे ऐं मुख़्तलिफ़ नुक़्ते नज़र जो जॾहिं इनपुट ईंदो, इख़्तिलाफ़ी इनपुट ईंदो त उनखां पोइ त उहो बहितर थींदो ऐं अप टू डेट थींदो। हींअर अॼुकल्ह हले थो, काफ़ी मीडिया में आहे त इंडस वाटर ट्रीटी खे रिव्यू कजे, रीविज़िट कजे। हाणे जॾहिं इहो 50s में उनजी ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं, 62 में उहो साइन थियो, उन में सिंधी को नुमाइंदो कोन हुयो। हाणे हिकिड़ी इहा रीविज़िट थियण जी अपॉर्चुनिटी आहे असांखे, हींअर ई उन ते को नुक़्ते नज़र ठाहिणो पए। सी पैक ते जॾहिं बलोच रड़ियूं पिया कनि, पश्तून रड़ियूं पिया कनि, त असां वटि चुपचाप ई गुज़िरियल 6 महीननि खां उन ते थोरो घणो ॻाल्हि ॿोल थिए थी। सिंध में बि ॿ टे उन ते मुज़ाकिरा थिया आहिनि, टीवी ते बि कुझु ॻाल्हाईंदा आहिनि दोस्त ऐं अख़बारुनि में बि अचे थो। त इहो हिकिड़ो काफ़ी जंहिंखे चवनि था गेम चेंजर आहे। त हाणे गेम चेंजर जेको आहे ऐं सिंध मां इहो बहरहाल गुज़रणो आहे, पश्तून चाहिनि या पंजाबी चाहिनि, इहो ईंदो इहो अल्टीमेटली इन जो घणो सिंध मां वेंदो, या हिन वक़्तु जेका कराची में चाइनीज़ जी पॉपुलेशन वधे थी उनजी इम्प्लीकेशन्स छा थींदियूं, त इहो असांजे लाइ काफ़ी अहम आहे। सो तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं वधीक तव्हां खां सिखंदासीं सी पैक ते। थैंक्यू वेरी मच। तव्हां सभई ख़ासि तौर ते सिंधी एसोसिएशन वेरी काइंड त मुंहिंजो जॾहिं बचणु थींदो आहे त आई बेनिफिट फ्रॉम दिस मीट एंड ग्रीट सेशन्स ऐं सी पैक इज़ क्वाइट टॉपिकल दीस डेज। मुख़्तलिफ़ हुन जा डायमेंशन्स जिन ते डिबेट हले पियो पाकिस्तान में एल्सवेयर टू, मूं 2 साल अॻु में इनमें द न्यूज़ में ऐं काविश में हिन ते आर्टिकल टे आर्टिकल इन सीरीज़ लिखिया हुआ द न्यूज़ काविश में ऐं हिकिड़ो आर्टिकल द न्यूज़ में लिखियो। उन थोरो कॉन्टेंट डिफरेंट हो, जेके सिंधीअ में लिखिया हुआ उनमें ज़हन में इहो हुयो त घणनि माण्हुनि खे हुन सी पैक जे बारे में सी पैक ई ॿुधो, पर हुन जा ॿिया डायमेंशन्स जे बारे में एतिरो घणो लिखियो न वियो हो सिंधी में। सो आई थॉट आई शुड राइट समथिंग। उहो लिखण जे लाइ मूंखे ज़ाहिर आहे त स्टडी करणी पई आहे, मुंहिंजो पंहिंजो सब्जेक्ट त न हो ज़ाहिर। So, I guess I was able to read about 2,000 pages to write 2 brief articles. उहो हिकिड़े हंधि खोलिजे थो त पोइ हुन जा थ्रेड्स एॾा वॾा आहिनि ऐं एतिरो डिटेल आहे उनमें, जो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हुन ते कलाक 2 कलाक 3 कलाक केतिरो बि ॻाल्हाइणु चाहिजे त ॻाल्हाए सघिजे थो। मां
कहीं भी रेटरिक संगाल न करना चाहिए माय आई होल्ड माय ओन व्यूज आई आई वुड रेस्पेक्ट योर डिसएग्रीमेंट्स टू दैट ऑफ कोर्स ही एकेडमिक डिस्कशन आ जैमें का पिछे लास्ट वर्ड को नहीं का ऐं ॿियो त कॉन्टेक्स्ट एॾो रैपिडली चेंज थिए थो जो ॿ साल जेके ॾिसां पंहिंजे लाइ त चवंदुसि आई आई वुड एक्नॉलेज माए एग्नोरेंस त जेको मुंहिंजो अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ॿ साल खनि हुयो उन में रैपिड शिफ्ट आयो आहे शयुनि जो सो कंहिं मां बि इहो एक्सपेक्ट न कजे ऐं हूअं बि नामुनासिबु आहे त जेका ॻाल्हि अॼु कजे उहा पंज साल पोइ भई सुभाणे बि वैलिड हुजे वन सिंगल इंसिडेंट कैन रियली शिफ्ट द होल सिनेरियो हींअर जंहिं तरह सी पेक जा जेके डिफरेंट एस्पेक्ट साम्हूं आया आहिनि वन कैन सेफली कंक्लूड द इट्स लेस ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऐं सिंध लाइ पॉसिबल कोन्हे त दुनिया जे हिन सॼे चेंजिंग सिनेरियो सां पाण खे इंसुलेट करे को हिकिड़ो आइलैंड तौर थी रही सघे ऐं चइजे त हीउ मूंखे खपे थो ऐं हीउ मूंखे नथो खपे दैट्स इट ऐं उन सां को पेनेसी आहे जो जॾहिं मां चवंदुसि न खपे त मीन्स आई स्टैंड इंसुलेटेड ईअं कोन थो थिए गुड आर बैड वी मे लाइक आर नॉट लाइक समथिंग दैट्स गोन हैपन एंड इट्स ऑलरेडी हैपनिंग ऑलरेडी इज़ रोल्ड आउट ऐं उहो कमिंग डेज में जेकर असां सिर्फ़ु उन ते कैकोफोनी कंदा रहियासीं कंहिं क़िस्म जो रकस कंदा रहियासीं सोसाइटी में इट वॉन्ट प्रॉबेबली हेल्प अस वी हैव टू रियली टेक इट वेरी सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ लाइ त हिकिड़ी सिचुएशन ॿी हूंदी आहे दे हैव टू टेक सर्टेन इंस्टेंसिस एट टाइम्स दे टेंड टू बी अडॉप्टिंग पॉपुलर वर्जन्स ठीकु हुजण या न हुजण खां वधीक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कंसर्न हूंदो आहे त पॉपुलर वर्जन्स खे फॉलो कजे आई वुड पर्सनली हम्बली डिसोसिएट विथ दैट अप्रोच मां चाहींदुसि त वी शुड ट्रैक द थिंग्स वेरी रियलिस्टिकली ऑन ग्राउंड आई वुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द डिसएग्रीमेंट डाइवर्जेंट व्यूज विच इज़ परफेक्टली फाइन हींअर जेका सिचुएशन आहे अफ़गानिस्तान में ख़ासि तौर ते जॾहिं खां नाटो जो पुल आउट थियो आहे या थिन आउट थियो आहे उन खां पोइ हिन रीजन में जंहिंमें पाकिस्तान इंडिया ऐं अफ़गानिस्तान ऐं नेबरिंग कंट्रीज़ हिकु बाक़ी स्मॉल रीजन उन में जेका गुज़िरियल 30 सालनि खां हिकिड़ी एक्टिव वार इकॉनमी ऑपरेट पिए कयो फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स इफ यू मे काउंटेड फ्रॉम 1979 हूअं त अॻु में बि हुई पर जेका एक्टिव वार इकॉनमी हुई उहा शेपअप थी आहे सिंस 80s ऐं उन में पाकिस्तान जा वॾा स्टेक्स हुया पाकिस्तान जे डिसीशन मेकर्स जा स्टेक्स हुया एंड डिसीशन मेकर्स इंक्लूड ऑल सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ब्रॉडली स्पीकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वॾा हाई स्टेक्स हुया ऐं ज़ाहिर आहे त वार जे मूं अर्ज़ु कयो त हिकिड़ी वार इकॉनॉमी हुई वार इज़ एन इकॉनॉमी एक्चुअली उहा स्ट्रीम ड्राई डाउन थी आहे फॉर many reasons, mainly because NATO decided to pull out or thin out, त जेको वार इकॉनॉमी जा डिविडेंट्स हुया उहे बज़ाहिर उन्हनि जी हाणे वधीक लाइफ नथी नज़र अचनि ख़िते में सो दोज़ हू हैव स्टेक्स या हू हैड स्टेक्स इन वार इकॉनॉमी हैव टू शिफ्ट देयर एवेन्यूज़ टू एल्सवेयर इट कुड बी अनदर वार एट अनदर फ्रंट नो वन नोज यमन जी जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थियणु कुड बी वन सच थिंग उहा जेसिताईं वञी ट्रांसपायर थियनि हुन जा इफेक्ट्स
पर मीनवाइल उन वार इकोनॉमी के सीपेक जी एक पीस इकोनॉमी से रिप्लेस करने जी एकड़ी एफर्ट नजर अचे थी उन्हें स्टेक होल्डर्स के उन सीपेक में डेफिनेटली पंजा स्ट्रेटेजिक से गुड इकोनॉमिक इंटरेस्ट नजर अचन था एंड आई डोंट माइंड बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज रियलिटी सो जिन धुरन ताकत होंगी उजे इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट कंदा एक्सटेंड कंदा एक्सपेंड कंदा बाय ऑल द मीन्स सो इफ यू हैव टू कंपेयर विद द वार इकोनॉमी आई वुड स्टिल प्रिफर पीस इकोनॉमी उनजा डिविडेंस आज उनजा एडवांटेजिस वार इकोनॉमी इन एनी केस benefits a handful of people at the expense of millions of people. Those who are rendered impoverished, who are rendered, you know, all kind of miseries are heaped upon millions of people that we have witnessed since 1980s. So that is the bigger picture. And when there are stakes in the world, then they have the custodianship. And all that could be summed up was happening today, at least in Pakistan, all divergent views and debates on CPEC are kind of disallowed. Tahan thoro ghano to debate kare sako tha, unje nut bolts se galai sako tha, environment, unje environment ja aspect, unje bia dimension. Par in kism ji suratyal kaane jete tama totally unakhe chau ta hi ko agenda khape hi na, unje khalaf ka wali active movement large karan burje, that seems not to be tolerated. Again, because of its economic interest. China would be the greatest beneficiary of CPEC. जो perception आता को पाकिस्तान ते China एहसान तो करे ज़रा bilateral ties हैं ना उनमें बिनी जो benefit चीन रहा पर मैं जो पंजो ख्याल आता China जा सब खां वधी को उनमें interest आहें there's no free lunch super powers foreign policies कदे हैं बिल्कुल खुदा कारण फ़ायदा जानते या आइडियोलॉजीज जो कौन थी न्यू क्लियरली हार्ड कोर इंटरेस्ट हूँ दे डिफाइन द फॉरेन पॉलिसीज वट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ चाइना एक तो वेरी क्लियर आकर सिंपल आई विश आई कुड हैव शोन यू द मैप तुम जरूर डिठो हों तो जर का सप्लाई लाइन गवादर का उर्मिची के थ्रू चाइना तक पहुँचाएज इट कुड बी हार्डवेयर इट कुड बी लिक्विड आर गैस or distance is roughly one third of that it would take otherwise jekar Arabian Sea through Beijing tai kashe supply pahunchaye jaye so it's roughly one third or even less than that so klo to margin of distance big advantage but that is not really the advantage that China is eyeing upon I think to unja bya jeke ba wada dimensions hain if I may narrate briefly the जियोग्राफी एकड़ो है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज बो है स्ट्रेट ऑफ मलाका स्ट्रेट ऑफ मलाका स्ट्रेट्स दीज आर नैरो पैसेजिस समुंड जहा थ्रू विच ट्रेड थे तो सो जर रिकॉल कर मैप हिंदी या अरेबियन सी उनमें जो गल्फ का सप्लाई थे थी ऑयल की वह roughly चयो वञे थो त 50 या 60 70 मूंखे एग्जैक्ट फिगर्स यादि कोन बट आई मैंशन ॾिनमि आर्टिकल उहा स्ट्रेट ऑफ हर्मूज जे थ्रू मेन सी में उहे टैंकर्स एंटर थींदा आहिनि जेके ख़लीज जे एरिया मां ऑयल सप्लाई कनि था उन पैसेज मां गुज़री
ऐं स्ट्रेटेजिकली हाई वैल्यू पैसेज जितां 60-70% ऑफ ग्लोबल ऑयल जी सप्लाई थींदी हुजे, वन कैन इमेजिन दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज परहैप्स लेस देन 1,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम गवादर. So the very presence at Gawadar has its own enormous strategic value that now China enjoys. Bio paso aaye chakkar ta hune Hindi Arabian Sea ji extension me haria wanyo towards China. The bio end ahe South China Sea. South China Sea ma jo ko varo trade the tho second and third world largest economies China and Japan are located there. सो उतां जेको हार्डवेयर जी सप्लाई आहे या उतां जेका चाइना खे ऑयल इवेंचुअली अरबियन सी खां पोइ अची चाइना ताईं कीअं पहुचे, अगेन इट पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाका ऐं शायदि 50-60% हार्डवेयर जी ट्रांसपोर्ट जेका आहे हुनजा जेके शिप्स गुज़रनि था उहे स्ट्रेट ऑफ मलाका मां गुज़रनि था. नाउ व्हाट्स हैपनिंग एट स्ट्रेट ऑफ मलाका. स्ट्रेट ऑफ मलाका is a hotbed of South China Sea kind of battle-like situation jeka utte chain panjan saran ka hale pai jame China ja mukhtalif countries sa conflict hai, Philippines sa hai, Vietnam sa hai, jithe unja islands sa hain unan ja where there are massive deposits of hydrocarbon and China virtually controls those few islands, Sparsley and some other 2-3 islands, Shoal, Sparsley, and there's a third island. उहे उन ते जोग्राफिकली इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ साउथ चाइना आहिनि, पर फिज़िकली लोकेटेड आहिनि एदर इन फिलिपींस, इन वियतनाम ऐं हिकु द्वीप कंट्री में आहिनि. त उते चाइना जो विर्चुअल कंट्रोल आहे, हू जेके ॿिया मुल्क आहिनि दे आर काइंड ऑफ वेरी मच डिसग्रंटल्ड, ऐं उनजे करे साउथ चाइना में हिकिड़ी कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हलंदड़ आहे. स्क्रिमिशिस थियनि थियूं, हिक ॿिए खे थ्रेट कनि था, ऐं उते अमेरिकन फ्लीट रिमेन्स ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट त कंहिं बि इवेंचुअलिटी में इफ नीड बी दे कुड परहैप्स इंटरवीन. सो दैट एरिया जितां चाइना जी ऑयल जी सप्लाई थिए थी, ऐं चाइना इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहियो आहे फॉर लास्ट 30 ईयर्स. जेको चाइना जो एनुअल ग्रोथ रेट आहे, इट इज़ अमेज द होल वर्ल्ड, इट्स ओवर 10% अ ईयर फॉर कंटिन्यूसली फॉर 30 ईयर्स. Chinese economic miracle, one could have several disagreements to the way it was achieved, but almost in 20 years jo MDGs hoya, millennium development goals, unme jo poverty ke ghatan waro target hoyo, world could achieve it only because of China's performance. Some 600 million people were pulled off the poverty line by China just in 15-20 years, which is amazing. 60 crore manu mana 3 times of Pakistan's population, roughly speaking, we poverty ma China kadya in poverty line ma, mainly because of this economy. And in the economic miracle ke sustain karna la, uninterrupted supply of energy is a prerequisite. Possible kone teri wari economy China wat panja etra oil and gas ja reserves na hin, so it heavily depends on imported oil. The tons of data is available jeko ma ane saka, par pardon me to man na manage kare sakus because of time. To confront that jeka China ji strategy a, unme hun ba initiative batan hikdo jake cheyo tho vanje
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनते लाई अमेरिकन थिंक टैंक्स या क्रिटिक्स भी मौजूद हैं जो तुम सर्च कर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाहे पोर्ट सिटीज दे प्रेजेंस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट सिटीज दे प्रेजेंस एंड यू विल फाइंड जर तुम प्लाट कद मैप के दिसना किथे त ही जो साउथ एशियन जापान का वी खलीज तीन जो कोस्ट आई एज यू गो फर्दर साउथ टुवर्ड्स अफ्रीका तो उत्ते मेजर पोर्ट सिटीज से चाइना हैज इंश्योर्ड इट्स प्रेजेंस जो पोर्ट सिटीज के थ्रू सप्लाई थे थी चटगांग बांग्लादेश जो पोर्ट उनके डेवलप करने में चाइनीज एड गवादर फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ चाइनीज कंपनी नाउ हम्बनटोटा श्रीलंका अगेन चाइना एंड एज यू गो फर्दर डाउन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में तो हाँ चाइना जे ब्लेसिंग से उतना तो इवन अफ्रीकन कंट्रीज हाँ वर्ल्ड बैंक एडीबी का भी एड नथियों वठन दे लुक टुवर्ड्स चाइना चाइना उन्होंने सस्तो लोन दिए तो अनकंडीशनल लोन दिए तो वक्त गुजरण से लोन्स राइट ऑफ भी करे तो कल चोरी पाकिस्तान भी को अड़ो आहे लोन जो एडीबी का रिग्रेट कर चाइना का एक्सेप्ट कर उनके रीजन्स हैं मेनली बिकॉज अनकंडीशनल वेन इट कम्स टू वर्ल्ड बैंक एडीबी यूरोप और अमेरिका इन जो पंजू खराबियन पर उन्होंने जो फ्रेमवर्क आ डिमांड्स रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल सेफगार्ड दैट डिमांड्स रेस्पेक्ट टू द लेबर लॉज ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी उनका कुछ प्रिजिक्स अटैच थियल विथ दैट एड वेर एज चाइनाज एड इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी सच टाइज You just get the aid and the rest is political dealing and then you are subject to no such conditions because China doesn't need that. Woh panje mulk mein exercise na kanda han, expect na kanda han jekar kenke loan deenda. So that is one major attraction for African countries, especially the countries where there are authoritarian regimes. They don't want to be subjected to these such interrogations why there is no democracy, why there is no respect to human rights. They just get loan from China and that suits them. Similar is going to happen in the coming years with Pakistan perhaps. So China ke utte jeko Strait of Malacca mein active war like jeka situation hai wo har waqt China ke tension rahe to te jekar iha artery iho passage ka jang de kare jekar block thiyo ta China becomes totally vulnerable it could its economy could actually collapse उनकी सप्लाई लाइन आहे उन नैरो पैसेज सो इन चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट जो उन्होंने रिसेंट ईयर्स में एक्टिवली आइडेंटिफाई किया है अल्टरनेट रूट्स तो जर हेदा सप्लाई लाइन डिस्टर्ब थे थी तो वॉट आर दी अल्टरनेट रूट्स सो ही जो कॉरिडोर आहे सो पाकिस्तान कॉरिडोर इज नॉट दी ओनली कॉरिडोर देर आर अबाउट 6 or 7 सिमिलर कॉरिडोर्स जेके चाइना आइडेंटिफाई कर सम ऑफ देम एक्चुअली कनेक्ट चाइना विथ यूरोप एज वेल कुछ अफगानिस्तान टर्की ईरान से कनेक्ट कन था के सेंट्रल एशियन स्टेट्स का कनेक्शन एकड़ो है जो बर्मा थाईलैंड के थ्रू आ इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर देर आर सेवरल ऑफ सच कॉरिडोर्स जेके चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट नरगो आइडेंटिफाई क्या बट सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट ऐं मुमकिन आहे त ॿिया नवां बि निकिरी अचनि सो द कॉरिडोर कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर हैज़ इनॉर्मस स्ट्रेटेजिक वैल्यू फॉर चाइना फार बियॉन्ड देन सिंपल
trade through Gwadar. That is only a small component of that bigger scheme. So things are very complex. Now coming to the other hypothesis, तो जेकर चाइना उते हुंदो तो छा अमेरिका उनके टॉलरेट कंदो अमेरिका उनके वार्म वाटर्स दई घर हलियो मी तो सर्टेनली नॉट पर अमेरिका जे हियर क्वैगमायर में आहे मेनली इन द मिडल ईस्ट उन जे करे हु के ब्या नवा बैटल फील्ड है खास तौर ते चाइना सा कन्फ्रंट न कर चाहंदो थैंक यू सो अजकल जेके पॉलिसीज आहन उहे इए थू हुजन तो जेकर का हिकड़े खिते में हिकड़ी फोर्स सा दुश्मनी आ तो जरूरी ना है तो बे खिते में वो दुश्मन हो जाए जेकर बे खिते में उसा दोस्ती सूट थी करे तो परफेक्ट वे कन था फॉर एग्जांपल अमेरिका अलकायदा के टारगेट करे तो अफगानिस्तान ही पाकिस्तान में ठीक है सीरिया में अलकायदा उन जो इलाही आ अगेंस्ट बशर सो जिते हिकड़े सा जेड़ो आ बे पासे उन सा दोस्ती सूट थी करे गो अहेड वो कोल्ड वार वारो हाँ पैटर्न ना है तो दुश्मन आ तो सारी दुनिया में दुश्मनी आ उनसा नॉट दैट एंड सो इज चाइना इंटरेस्टिंगली फॉर एग्जांपल चाइना या अमेरिका जो शदीद कन्फ्लिक्ट आ शदीद एंड वी ऑल नो दैट पर चाइना जो जो को अमेरिका सा ट्रेड वॉल्यूम आ एनुअली यू नो हाउ मच 520 बिलियन डॉलर्स ट्रेड वॉल्यूम सिमिलरली चाइना हैज सिवियर कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया पर इंडिया सा जो कोने जो एनुअल ट्रेड वॉल्यूम इट्स क्लोज टू 100 बिलियन डॉलर्स फार मोर देन सेवरल टाइम्स मोर देन दैट्स विथ पाकिस्तान अड़ी तरह जो कोरिया सा जेड़ो आ कोरिया जो भी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आ फिलीपींस सा जेड़ो आ फिलीपींस जो भी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना है जापान सा तो खैर हुन जो तमाम पुरानो जेड़ो आ वी नो दैट तो जो पुठियां जो हिस्ट्री आ जापान जो भी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स इन चाइना इज वन ऑफ देम सो चाइना हैज अ वेरी यूनिक अप्रोच दे कंप्लीटली डिटेच फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टाइज दिस इज अ डिफरेंट मॉडल टू लर्न फ्रॉम हू चवनि था जहिड़ो पंजी जाए ते जीअं कुझु कबायली इलाइक़ा आहिनि पाकिस्तान जा उन्हनि जे लाइ मशहूरु आहे त उन्हनि जी जॾहिं एक्टिव वार हलंदी हुई पंहिंजो कबायली इलाइक़नि में त हफ़्ते में हिकु या ॿ ॾींहं हुननि जा सीज़ फायर डिक्लेयर हूंदा उन ॾींहं ते ॿई बाज़ारनि मां वेंदा शॉपिंग कंदा सामान वठंदा हिक ॿिए जे घर में मानियूं वञी खाईंदा उन ॾींहुं को बि जहिड़ो न कंदा सिजल थिए खां पोइ बाक़ी ॾींहं जहिड़े जा उनमें जहिड़ो थींदो थियसंदो वे त तव्हां ॻाल्हायो पोइ उन खां पोइ सो चाइना जी इंट्रेस्टिंग पॉलिसी आहे फॉरेन पॉलिसी जहिड़ो फसाद बॉर्डर ते टेंशन आर्मीज़ जा इंट्रेस्ट परफेक्टली ऑल राइट फाइनेंस इज़ कंप्लीटली डिटेच जेको बिज़नेस ऐं ट्रेड जो इंट्रेस्ट आहे उनखे उन्हनि डी लिंक करे छॾियो आहे is against the way we practice in this region jete samura economic interest foreign policies and everything is run in harmony that's not the case of china so ji america be in mamle mein han flexible hai so is china they are perfectly fine tan kare hu apparently lage to afghanistan je in a jung ma jiye ta america pull out karna chahe to tan kare as long as china has a presence in terms of economy america it's my own analysis one can disagree manaso samjhata america has any problem with that keeping in mind that while china is a growing power it's not a growing military power it's a growing economic power ai unhe ji economy te again jekar unke detail me disje to china jo economic power low end goods ki product te high end goods and high end engineering me anya china kon to unke compete kare so jin avenues me europe ja countries ja अमेरिका जो मार्केट में जेका नीश आहे
स्टिल चाइना उन्हें इंट्रूड कौन कहो ये सिंपल शेम तुम दिसो था बट दे टेक एडवांटेज ऑफ लो इनपुट कास्ट ह्यूज लेबर बेस उन्हें कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा तो करें ये प्लास्टिक जहाँ गुड्स करें हाउस होल्ड अप्लायंसेस थोड़ा घना पर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल जी ही वार टेक्नोलॉजी जो बिजनेस हल तो हाई एंड आई टी प्रोडक्ट्स हैं जो फार्मा है देर आर सेवरल फील्ड्स जैमें अ चाइना उन्होंने राइवल को करे सो आई डोंट थिंक जिन मानन जो ख्याल है तो चाइना या अमेरिका चाइना ते जीत जो प्रेजेंस आ अमेरिका उनके टॉलरेट न कंदो ए जरूर उन सा लड़ाई कंदो आई डोंट सी रियली इट हैपनिंग इट्स नॉट हैपनिंग सो फार उन जो जेड़ो आ साउथ चाइना सी में हन असांजे रीजन में जरा अफगान तालिबान से नेगोशिएशंस हलिया पे तो ताके याद हों तो चाइना एंड अमेरिका वर सिटिंग टुगेदर विद पाकिस्तान दोज नेगोशिएशंस दे वांट द इशू सेटल डाउन थे ते का इकोनॉमी ऑपरेट कर सके सो दैट इज द बिगर पिक्चर देर आर सेवरल अदर जिग्सा पजल जा पार्ट्स हैं पर अगेन वन बाय वन न था हलूँ बट दैट इज द बिगर पिक्चर नाउ जूमिंग इन टू पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान है विल बेनिफिट फ्रॉम सी पेक अगेन छो तो स्टेगनेंट इकोनॉमी आ काफ़ी साल इकोनॉमिक ग्रोथ जो ट्रेंड आ एटलीस्ट पोस्ट मुशरफिर इट हैज़ बिन डिसमल 3-4% जे अराउंड हले तो फॉरेन डेट इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इशू है टेक्नोलॉजी जा बैरियर्स हैं कैपिटल कोन है को फॉरेन रेमिटेंसिस डिक्लाइन पे थे इट्स अ ब्लीक इकोनॉमिक सिनेरियो दैट वी सी इन पाकिस्तान एकड़े पासे डेप्ट वधे पियो डेप्ट सर्विसिंग की कॉस्ट वधे पई रेमिटेंसिस घट पे थे ऑयल प्राइसिस जो घट थियण जो थोड़ो एडवांटेज थियो जो इन्फ्लेशन कुछ ड्रॉप डाउन थियो सो इन जे करे वार इकोनॉमी खत्म थियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जे करे का मेजर इन्वेस्टमेंट न पी अचे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे चबो है मेजर इंडिकेटर यो कंट्री है रिसेंटली म्यांमार म्यांमार में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वॉल्यूम $9 billion तक पहुंची वो पाकिस्तान जो हिंसर $1 billion का घट है आर क्लोज टू $1 billion टैक्स कलेक्शन जो हाल यह है तो 9-10% ऑफ GDP के अंदर उनका मथे टैक्स कलेक्शन नहीं थे 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 million टैक्स फाइलर्स हैं 200 million में सिर्फ 1 million पीपल फाइल देयर रिटर्न्स बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार आ सो इन इकोनॉमी में जो क्रम्बलिंग इकोनॉमी है उन्हें में जो एस्टेब्लिशमेंट है खास तौर से पंजाब है टू बी वेरी ओपन तो उन्हें जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस है सी पेक इज अ डायर नीड फॉर देम तेज कर दे हैव इंट्रेस्ट तो सी पेक अचे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है आई जाहिर इकोनॉमिक जो एडवांटेज नजर अचे तो हाँ इन कंटेक्स में पाकिस्तान ए चाइना जा शेयर्ड इंट्रेस्ट आन सी पेक में दैट सीम्स क्वाइट ऑब्वियस कंजा घटन वधन दैट इज अ सेपरेट डिबेट मां समझा तो चाइना जा इंट्रेस्ट वधिक आन सम अदर्स में बिलीव द पाकिस्तान जा वधिक आन बट दैट्स नॉट अ डिबेट वन कैन सम अप द बोथ हैव शेयर्ड इंट्रेस्ट नाउ कमिंग टू सेंथ वेयर डू वी स्टैंड मेजर कंपोनेंट चाहन सी पेक जा हिकड़ो तो सब का वो है गवादर पोर्ट विच विल बी द लिंचपिन विदाउट गवादर पोर्ट सी पेक इज मीनिंगलेस
छो त गवादर जे पोर्ट जी फैसिलिटी जे करे ई दे वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट समथिंग फॉर देयर ट्रेड थ्रू उर्मिची सो उहा आहे लिंच पिन एंड दैट्स गोन बी बिल्ट उते हिकिड़ो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि होपफुली चए पियो जेको फुली फंडेड बाए चाइना आहे जेको पैसो उन लाइ अचिणो आहे या अची वियो आहे इन पार्ट विच इज़ मोर देन $50 billion नाओ इहा का ग्रांट न आहे जेको वाइड परसेप्शन आहे त इहो को ग्रांट आहे जेको चाइना ॾिए पियो पाकिस्तान खे इट्स नॉट डेट इहो उतां जूं प्राइवेट कंपनीज़ कमर्शियल लोन्स वठंदियूं बैंक खां मेनली फ्रॉम एग्ज़िम बैंक ऑफ चाइना ऐं कमर्शियल स्टैंडर्ड्स ते इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो आहे एज़ सिंपल एज़ दैट ऐं उहो आहे BOT बेसिस बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सो इफ अ कंपनी कम्स एंड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अ रोड सपोज सो दे विल पुट अ रीज़नेबल अमाउंट ऑन द टॉल टैक्सेस सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई टू जनरेट देयर इन्वेस्टमेंट प्लस एन अमाउंट ऑफ इंट्रेस्ट ओवर इट छो त ह्यूज इंट्रेस्ट इन ते हूंदो जेको उहे बैंक खे पे कंदा ऐं पोइ वरी ख़ुदि इन्वेस्टर बि त पंहिंजो इंट्रेस्ट रखंदो मुफ़्त में त न कंदो सो हाणे इहा डेटा पब्लिकली न पई साम्हूं अचे नथी आंदी वञे त एंड ऑफ द डे हाउ मच पाकिस्तान आर पाकिस्तानी सिटीज़न वुड पे बैक टू चाइनीज़ बैंक्स सिंस इट इज़ नॉट ग्रांट इट्स अ लोन सिंस इट इज़ अ लोन इट हैज़ इंट्रेस्ट सिंस इट इज़ कमिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंट्रेस्ट सिंगल इंट्रेस्ट त कोन्हे जीअं स्टेट्स जो हूंदो आहे वर्ल्ड बैंक जो हूंदो आहे 0.5% आया वट एवर सो देर आर लेयर्स ऑफ इंट्रेस्ट उहे किथे साम्हूं नथा आंदा वञनि इन क़िस्म बिज़नेसिस में इहो थिए थो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल सो जॾहिं हाणे इन जो हिकिड़ो त पार्ट ग्वादर ते आहे ॿियो अगेन लाइक पाकिस्तान लाइक चाइना पाकिस्तान जो बि जेको सीरियस डेफिसिट आहे ऐं इकोनॉमी खे वॾो चैलेंज आहे उहो एनर्जी जो आहे एनर्जी डेफिसिट इज़ अ मेजर इशू विथ पाकिस्तान जंहिंजे करे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेगनेंसी में हली वई आहे उन में हिकिड़ी वॾी होप उन्हनि खे नज़र अचे थी थरपोर विच इज़ लोकेटेड इन सिंध तंहिंजे करे सिंध जो जेको बि उन में इंट्रेस्ट आहे उहो इनविटेबल आहे सिंध ते जेके बि इम्पेक्ट्स थी सघनि था दे आर ऑल्सो इनविटेबल सो यू हैव टू रियली लुक द थिंग्स फ्रॉम द बिगर पिक्चर त हाणे इहा शइ थिए पई हिकिड़ो ब्लॉक उते जे कुल 12 या 13 ब्लॉक आहिनि थर में कोल जा जंहिंमें हिकिड़ो ब्लॉक उन ते हींअर माइनिंग जो प्रोसेस जारी आहे ऐं इवेंचुअली उन ते पावर जनरेट थियणो आहे ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे 6 साल अध में उन स्टेज ते उहो प्रोजेक्ट वेंदो जिते पावर प्रोडक्शन जो फेज़ अची वेंदो उन हिकिड़े सिंगल प्रोजेक्ट में हिन वक़्तु ॿुधायो वञे थो देर आर अबाउट 1800 एम्प्लॉइज क्लोज़ टू 600 आर चाइनीज़ दैट मेक्स 1/3 ऑफ दैट सो एज़ अगेंस्ट अमेरिका ॿियनि कंट्रीज़ जे वेन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम्स दे ऑल्सो ब्रिंग देयर लेबर बोथ टेक्निकल्स एंड सेमाई टेक्निकल परहैप्स बाक़ी जेको मिनल जॉब्स आहिनि दे आर मोस्टली होल्ड बाय लोकल्स छो त उहे एतिरा लोकरेटिव न आहिनि मैनेजमेंट पोज़ीशन इज़ अ फेयर मिक्स ऑफ लोकल्स एंड नॉन लोकल बट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ वन सिंगल प्रोजेक्ट सो फॉर मोर आर टू फॉलो ऐं उनमें का पॉलिसी गाइडलाइंस कोन्हनि के ही त लकीली जेको एंग्रो वारनि वटि प्रोजेक्ट आहे उनजो जेको टॉप मैन आहे ही इज़ फ्रॉम सिंध सो ऑब्वियसली ही इज़ बिट कंसिडर्ड त भई लोकल माण्हुनि खे बेनिफिट मिलणु घुरिजे इट्स इन द बिज़नेस इंट्रेस्ट एज़ वेल
नो वन नोस त उनखां पोइ केरु था अचनि उहे कीअं था ऑपरेट कनि पर को पॉलिसी इन्वायरमेंट कोन्हे जेको गाइड करे त हाउ इट विल बेनिफिट हाउ इट शुड सर्टेनली बेनिफिट लोकल्स दैट थिंग इज मिसिंग त कुझु रोड रस्ता ठहंदा मोटरवेज मेनली पावर जा प्लांट लॻंदा ऐं हिकिड़ी ट्रांसमिशन लाइन आहे जेका मटियारी खां अॻियां ग्रिड सां कनेक्ट कंदी टू सप्लाई दैट पावर टू पंजाब इन अदर वर्ड्स जेको पावर हिते प्रोड्यूस थींदो उन में सिंध खे रॉयल्टी त मिलंदी छो त कोल सिंध जो आहे पर हींअर ताईं जेको अरेंजमेंट साम्हूं आयो आहे त उहो मेन ग्रिड जे थ्रू इट विल सप्लाई पावर टू पंजाब वेयर पंजाब में तव्हां छो हिकिड़ी रैपिड ग्रोथ जो फेज़ आहे एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एटलीस्ट पंजाब जी जेका रूलिंग इलीट आहे उहा पंहिंजे माण्हुनि सां सिंसियर आहे एज अगेंस्ट कंप्लीट अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट वेयर आवर रूलिंग इलीट हैज़ एंटायरली डिफरेंट टेंडेंसी उन्हनि वटि को सीरियस कंसिडरेशन कान्हे फॉर आवर ओन पीपल सो इन जे करे जेका पावर जी जनरेशन आहे उहा खणी थींदी त सिंध में पर हुनजो एंड बेनिफिशरी परहैप्स सिंध न हूंदो या हुनजे शायदि कुझु थोरो हिसे जो थिए नो वन नोस त अॻियां सिंध में कहिड़ी पावर सां रिलेटेड छा था असां ग्रो करियूं नो वन नोस छा का नई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन था करियूं दैट दैट में गिव अस अ क्लेम हींअर क्लेम छा था कयूं जॾहिं हुनजी कंज़प्शन जो ई को असां पोटेंशियल न ठाहियो आहे हाउ वन वुड क्लेम सो जिते कंज़प्शन थींदी ते क्लेम ऐं हाणे पावर सप्लाई ते त को कोटा त आहे कान कंहिं एन एफ सी जहिड़ो अरेंजमेंट त कोन्हे पावर इज़ अ कमोडिटी दैट्स बींग सोल्ड थ्रू द प्राइवेट कंपनीज़ आहिनि जेके सेल कनि थियूं पैसा बिल्स जे थ्रू रिकवर कनि थियूं आर एटलीस्ट दे ट्राई टू रिकवर एंड दैट्स हाउ दे रन देयर बिज़नेस विच इज़ गोइंग इन अ ह्यूज डेफिसिट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी तव्हां ॿुधो हूंदो सर्कुलर डेप्ट जेको वरी 400 billion खां क्रॉस करे वियो सो दैट्स अ स्टोरी ऑफ पावर कुझु इकनॉमिक ज़ोन्स क्रिएट करण जी ॻाल्हि थी आहे इन सिंध पर हुनजा के ब्लू प्रिंट्स अवेलेबल कोन आहिनि त विच काइंड ऑफ इकनॉमिक ज़ोन वेयर दैट विल बी हिकिड़ी ॻाल्हि थी आहे धाबे जी हिकिड़ी इट्स ऑल वेक उनजी फिज़िबिलिटीज़ साम्हूं न आयूं आहिनि उनजा के डिटेल्स साम्हूं कोन आहिनि को मास्टर प्लान मौजूदु कोन्हे सो सिंध जी जेका गवर्मेंट आहे उन जेको लिथॉर्जिक एटीट्यूड आहे उनजे करे सवाइ कुझु पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जे बाक़ी को मीनिंगफुल कमु उन ते नथो पियो थिए पख़्तून ऐं बलोच सूबनि कोशिशि कई आहे एटलीस्ट दे हैड बिन वोकल दे हैड बिन पुटिंग देयर क्लेम्स इन फ्रंट कंफ्रंट बि कंदा रहिया आहिनि पर सिंध जी गवर्नमेंट खे शायदि ॿिया घणनि वीचारनि तमामु हाई लेवल जे इंपॉर्टेंट कमनि में बिज़ी आहिनि त आई जी खे कीअं बदली कयूं हू ठीको कीअं ॾियूं हू नौकिरीअ जा 4 lakh वठूं या 6 lakh वठूं सो दे आर बिगी वेरी बिज़ी इन सम ग्रेट आर्टी क्राफ्ट जेके वीचारा ठाहिनि पिया दे डोंट हैव टाइम टू लुक एट द फ्यूचर डायरेक्शन त सिंध खे छा मिलंदो सी पेक मां कहिड़ा असांजा स्टेक्स आहिनि वाट शुड बी निगोशिएट लकीली देर इज़ अ पार्लियामेंट ऐं ठीकु आहे हुन में ॿियूं ख़राबियूं पंजाब ते थी सघनि थियूं पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रेस्ट आहे जुडिशरी मौजूदु आहे ऐं पोस्ट 18th अमेंडमेंट सिनेरियो में प्रोविंसिस खे वधीक स्पेसिस मिलिया आहिनि पर अनफॉर्चुनेटली उन मां को पॉलिटिकल एडवांटेज इन करे सिंध खे न पियो मिले जो इन पार्ट ठीकु आहे वफ़ाक ज़्याती करे थो उनखां को इनकार कोन्हे पर आई वुड से त सिंध गवर्नमेंट जी जेका लिथार्जी आहे एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड आहे
उहो मेजर काज आहे त सिंध खे का डायरेक्शन न पई मिले विज़ावी सी पैक। हाणे सी पैक ते कुझु उते ॿ मेन स्ट्रीम्स आहिनि। हिकिड़ी स्कूल ऑफ थाट आहे जंहिंजो चवणु आहे त देर शुड बी नो सी पैक एट ऑल। उहे सम्झनि था त इहो हिकिड़े वॾी गेम जो पार्ट आहे जंहिंमें चाइनीज़ जॾहिं ईंदा त उहो पंहिंजो पॉलिटिकल कल्चर बि खणी ईंदा। एक्सपीरियंस ॿुधाए थो त इन वॾे स्केल ते जॾहिं एड ग्रांट या इन्वेस्टमेंट जितां बि ईंदी आहे उनजो पॉलिटिकल कल्चर ज़रूरु सां ईंदो आहे। वन कांट से नो। ऐं चाइना जो पंहिंजो हिकिड़ो रेजिमेंटल अप्रोच आहे मामलनि जे बारे में। सिंगल पार्टी रूल जे करे दे जस्ट पास द ऑर्डर्स, दे सी द रिज़ल्ट्स हैपनिंग एज़ अगेंस्ट द वे पाकिस्तान्स वर्किंग एनवायरमेंट जेको आहे उहो थोरो डिफरेंट आहे। सो इहो ॾिसणो पवंदो त मिसाल थोरो कंसर्न आहे त भई वेन देयर बी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट देयर बी नो क्वेश्चन फॉर द ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, नोबडी विल टॉक अबाउट इट। ऐं उनजे करे हिकिड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ ईंदियूं जंहिंमें डिसएग्रीमेंट वुड बी सिंपली बिलडोज़्ड एंड उन वन कांट समरली रिजेक्ट दीस पॉसिबिलिटीज़। सो ॿियो स्कूल ऑफ थाट इहो आहे सिंध में त ओके समथिंग विच सीम्स इनविटेबल इफ़ यू कांट स्टॉप इट अपेरेंटली इट सीम्स त असांजे मुतालबनि या प्रेस बयाननि सां उनखे बंदि त कोन्हे थी वञिणो। सो हाउ वी कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज़ द बेनिफिट फॉर सिंध? Could that be an approach to be considered? Could that be an approach that could be debated? So these are two major streams. Apart from the merits or demerits of each stream that could be discussed at length, sawal hua ta Sindh ke CPEC ma kehda nuksan nazar tha chan drup cha jahan ya bhala jekar potential faydan ta uhe kadan. Let's be very pragmatic. इन में नथा वञूं त पॉपुलर स्लोगन छा आहे। लेट्स बी वेरी प्रेगमेटिक। त रिस्क आहे जेकर मूंखे कंहिं प्रोजेक्ट अचण सां मां चवां थो सी पैक न अचणु घुरिजे त देन मुंहिंजे ज़हन में कुझु ख़दशा हूंदा न। देर मस्ट बी सम एप्रिहेंशन त छो न हुजणु घुरिजे। वॉट आर दोस? लेट्स लिस्ट डाउन एंड देन लेट्स रियली थिंक थ्रू त इहे एॾा डिज़ास्ट्रियस आहिनि इहे आस्पेक्ट्स जंहिंखे असां नथा मैनेज करे सघूं या असां कंहिं क्रॉनिक खौफ़ में रहूं था। इन अ कैप्सूल ऑफ फियर असां सालनि खां रहंदा था अचूं तंहिंजे करे एवरी न्यू चेंज स्केयर्स अस। वी फील इंटिमिडेटेड त ही शइ थींदी ओ वॉट विल हैपन। हिकिड़ो रेजिस्टेंस एंड रिलेक्टेंस टू चेंज जो एलिमेंट ऐं हिकिड़ी ॿी स्टेगनेंसी असांखे इनवेलप त न करे वई आहे सोसाइटीअ खे। बट दैट्स वन थॉट। इट कुड बी टोटली ऑफ द मार्क बट वी शुड थिंक ओवर इट। फियर्स छा आहिनि? For example, one major fear is the absence of a regulatory or a constitutional framework. There could be a huge influx of people from other parts of Pakistan and perhaps from other countries. That had been a chronic issue in Sindh. Wasan shuru khan risun pya. It's happening. So that is one concern. And why it could happen? Because when CPEC comes, there will be the huge investments, modern technologies would be employed, and we have a serious deficit of human resource. We don't have vocationally trained cadres of cadets who can take over the market next morning. Jekar 50 opportunities achan to cha asan vat 50 manu ya 500 manu ya 5000 manu readily available ahen to inject in the market to compete and take over the whole economy on that. That is one fear. So we have
a serious deficit of human resource. That brings the fear to jekar asa what human resource panjo nahe, the definitely private investor, they have to run their businesses. They won't wait for us to get graduated with those modern skills. They'll bring in somebody. And when they will bring in, they could be in hundreds of thousands. That can change the fragile democratic balance in Sindh. That is one fear. Second, in kisme da jane bada projects in unme battery aspects important hona. They need human resource, they need capital. Do we have a capital to be an investor? We don't have a strong middle class, jako upper middle class, jenji orientation iha huje industrial orientation huje uha kane paant jaka wada maldaran ho wadera han ohe ko zaminu palen tha karz khanan tha ya jekar tamam modernize thyan to cng jo pump ani ta chade. That's it. Ina ka vadik ko modern investors konan ke jeke misal taur ke power plants mein investment kare sakan ka high tech engineering ji industry lagaye sakan uha approach kane eri very investment kone. And government of Sindh what vision kone unan be Sindh bank thaiyar wo vade rang ke karz dian dela. That's very unfortunate. ਔਰ ਕੋ ਲਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਖੜੇ ਮਾਣੋ ਕਾ ਉਤੋ ਚਰਾਗ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਦੀਏ ਕੇ ਰਗੜੋ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਚੇ ਸਾਣੇ ਮੁਕੇ ਕਮ ਦਸਨ ਤਾ ਖਾਈਂਦਸ ਸੋ ਬਿਓ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਮੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਿਆ ਵਟ ਸਾਮ ਘਟੀ ਮਾ ਪਾਨ ਵਟਿਆ ਸੋ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਰਾਂਦਾ ਦਾ ਸਾ ਪਾਨ ਗੁਰਾਣ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਰਿਹਾ ਚਨੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋ ਤਾਣੇ ਨੇ ਜਨਮ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਟ ਸੋ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਠਈ ਵੀ ਪਰ ਵਠਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਮਾ ਪਾਨ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕੋਨੇ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਣੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਇ ਸਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ. That part is also. That brings the fear also. That's one factor. To be investor ko bahar hoindo jane investor bahar hoindo to maanu baani to je china ane to bi company hoindo we panja maanu ani da road thando engineering firm je kar pakhtun khaya punjab ji hundi to driver bo taane di which is very logical. I in a cha sa rokyo ba tarika ya ta asa wat panjo investor ho je I wo people friendly ho je. That we don't have. I have very little, almost negligibly small. या त असांजो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एतिरो स्ट्रांग हुजे गवर्नमेंट रेगुलेशन ठीकु करे पाल भली दुबई आहे न 80% आबादी ॿाहिरि जी आहे इन्वेस्टर सभु ॿाहिरि आहे पॉलिसी फ्रेमवर्क इज़ कंट्रोल्ड बाय द रूलर्स मजाला जो को राइट खां लेफ्ट थी सघे असां वटि फेयर जो थर्ड फैक्टर इहो आहे त पॉलिसी इन्वायरमेंट इज़ वीक हू विल टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट हू विल टेक केयर ऑफ लेबर लॉज हू विल इंश्योर द लोकल्स जी डेमोग्राफी डिस्टर्ब न थिए. There's no mechanism in place. Hukmaran mugdarish ke to tamam badan kaman mein busy in hue tamam serious kisme ja u to 22-23 sadi mein tha sochan te AD khaja na hoje to po asan sindh ki halainda si. This is their horizon unfortunately. The inen je kare ko sindh mein fear na we really need to think the cha sa qiyamah tai rugo na khape kanda rahanda si har she ke reject kanda si which is not possible in today's world. शयूं असांखे ठीकु नथियूं लॻनि पर असांजे ख़्वाहिश ते बीह कोन रहनि थियूं. इट वुड बी अ वेरी सेक्सी पॉलिटिकल स्टेटमेंट न खपे न थियणु ॾींदासीं. ओके हवला ऐं हीअ उहे प्रोजेक्ट जंहिंमें स्ट्रेटेजिक इंट्रेस्ट आहिनि मुख़्तलिफ़ धुरनि जा नारनि सां न बीहंदा. सो कैन वी कन्वर्ट दिस थ्रेट इन टू अपॉर्चुनिटी विच अपेरेंटली सीम्स अ थ्रेट. आई वुड नॉट से थ्रेट, इट्स अ चैलेंज. Let's not scare our people. It's not threat. Aasman mein balaun na pehle. It's a challenge. It's a challenge, simply. Put it in the right context. Do we have energy and will to convert that challenge into some opportunities? Can we harvest a part of it at least?
छा सिंध गवर्नमेंट वटि एतिरो बि रिसोर्स कोन्हे छा त साल में 10-15 शानदार मॉडर्न वोकेशनल सेंटर्स ठाहे 5-15 हज़ार यंग ग्रुप कैडेट्स खे 6-12 मंथ्स जे क्रेश प्रोग्राम सां स्किल ॾियारे सघे जो सुभाणे खां इंडस्ट्री में क्वालिफाई कनि ऐं हिकिड़ो रुगो लॉ पास कराए छॾनि ऐं हुनखे इम्प्लीमेंट करे ॾेखारनि त भई हेतिरा परसेंट सेमाए स्किल्ड और अनस्किल्ड एंड इवेंचुअली हेतिरा परसेंट ऑफ स्किल्ड लेबर वुड एसेंशियली बी रिक्रूटेड फ्रॉम द लोकल एरिया. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हलिया वञनि, दैट इज़ पॉसिबल, देर आर फोरम्स नाउ. ऐं हिन शइ खे केरु हाणे नो बि नथो करे, हिन शइ ते केरु तव्हां ते एक्यूज़ बि न कंदो त तव्हां कंहिंजा एजेंट आहियो. दिस इज़ प्रैक्टिकली डूएबल, आई थिंक इट इज़ डूएबल, आई डोंट सी एनी रीज़न त इहो न करे सघूं. सो इन जे लाइ खपे हिकिड़ी पॉलिटिकल विल ऐं पॉलिटिकल विजन, विच इज़ मिसिंग. छा सिंध गवर्नमेंट लॉ नथी पास करे सघे छा? ही त तव्हांजो रेवेन्यू जो उतां जो आम ऑफिसर बि एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जे थ्रू लैंड ट्रांसफर बैन करे सघे थो. दिस इज़ पॉसिबल. हू चए त भई नई वे विल शिफ्ट दी जेन्युइन केसिस, विल अलो लैंड परचेज ओनली फॉर दी कमर्शियल एंड बिज़नेस इंट्रेस्ट. असां माण्हुनि जी डेमोग्राफी इज़ अ जेन्युइन इशू इन दिस कंट्री, वन कैन आर्ग्यू फॉर इट. वफ़ा खे इंगेज करे सघे थो. गवादर पोर्ट ते हिकु हिसे ते मूंखे यादि आहे, वेन मुशरफ वाज द रूलर, हुन पाण इहा ॻाल्हि खान ऑफ कलात जे हिकिड़े रिसेप्शन में चई त आई एम विलिंग टू कंसिडर आर डिस्कस अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ त ॿाहिरिनि माण्हुनि खे जेकर हुते ईंदा गवादर में त वोट जो राइट ऐं उतां जो लोकल जेका ॿिया बेनिफिट्स जेके बि हुन सां टाइड अप आहिनि उहे न मिलनि. He was willing, he said in fact. Balochistan ji government takriban 3 mahina ag mein cabinet ji meeting mein ekdi committee constitute kai to identify the constitutional safeguards to ensure that the economic and political rights of the residents of Gwadar should be protected. That is on record. Why can't Sindh government do that? Yaha ka a secessionist approach kane ka, this is very much within the ambit of constitution of Pakistan. So yes, we need development with this framework. Hi asan jo char conditions hain, asan ke panji demography save karni hai, ensure karna hai hi development local manan ke benefit je, that's simply doable, that's not being done. ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करण लाइ तव्हांखे कंहिं बि एजेंसी न रोकियो आहे, कंहिं बि आर्मी न रोकियो आहे, कंहिं बि वफ़ाकी हुकूमत न रोकियो आहे, त तव्हांजा वोकेशनल सेंटर्स में लिटरली गॾु वधा पिया आहिनि ऐं उते को बि कमु नथो थिए. हाउ केन आई ब्लेम पंजाब आर समबडी एल्स, यानी वोकेशनल सेंटर्स सिंध गवर्नमेंट जा आहिनि, उहे छो नथा रिवाइव थी सघनि? दे कुड बी ईज़ली डन. सो सॉल्यूशन साइड ते जॾहिं कमु नथो थिए त असां फियर मोड में हलिया था वञूं. I think we need to come out of that dilemma now. Sindh has really to raise the voice that yes, we need development. These are our conditions 1, 2, 3, 4, 5. Kuch shayan te time series plan thai sakan tha. 2 years lai hi guarantees kapan, 5 years lai hi guarantees kapan. Hi guarantees dindo, we can negotiate. And that's how we can convert that challenge, or as some people depict it, quote unquote, a threat into an opportunity for the development of people of Sindh. So I personally see, and this is my humble views, I would respect all the disagreements to that, Sindh need to wake up now. We need to change the course, we need to change our approaches. I in a ke bhali politically mukhalifat ikli dur kandi rahe wo banan jo right a, पर असांखे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अप्रोच में वञिणो पवंदो,
वेदर सीपेक आर नॉट मां सीपेक की गाल नथो करया थर जो कोल वाला प्रोजेक्ट कंसीव्ड होया जने सीपेक जो के नालो भी न बुदो हो वे तो सीपेक में पोए इन थ्यान थर जे कोल जी डेवलपमेंट त सिंध थर कोल सिंध कोल अथॉरिटी जो प्लान हो उन वक्त तो सीपेक जो पार्ट कोन हो सो आई वुड नॉट कनेक्टेड विद सीपेक थर में डेवलपमेंट जने थींदी वो सीपेक जे नाले ते थे या सिंध कोल अथॉरिटी करे उतां जे एनवायरमेंट उतां जी इकोलॉजी उतां जे माण्हुनि जा राइट्स जा क्वेश्चन इहे त प्राइमरी क्वेश्चन्स आहिनि जिन ते असांखे अदरवाइज उन जा सॉल्यूशन ॻोल्हणा आहिनि मे आर मे नॉट बी सीपेक ते आहे सिमिलरली जेके बि फ्यूचर जी डेवलपमेंट हिन ख़िते में थींदी आई सी इट हैपनिंग बिकॉज़ जेको मूं गुज़ारिश कई अनलेस समथिंग गोज़ टेरिबली रॉन्ग मूं गुज़ारिश कई शुरू में त इन सिंगल इंसिडेंट कैन टर्न द कैन रेंडर द होल मैप रिडंडेंट पर जेकर एज़ द थिंग्स आर बींग सीन टूडे इफ़ इट गोज़ विद द राइट ट्रेजेक्ट्री ऐं वार इकोनॉमी वाकई ख़तमु थिए थी हिते को पीस जा डिविडेंस अचनि था त सिनेरियो वुड ड्रास्टिकली शिफ्ट ऐं उन जे लाइ असांजी स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट खपनि हाणे सिंध खे उन्हनि स्ट्रेटजीज़ ते वी नीड टू टॉक वी नीड टू होल्ड आवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकाउंटेबल त उहे परफॉर्म कनि उहे बिहेव कनि त सिंधियुनि खे अगरि जेको पार्ट आहे त हाणे ऐं सी पेक मां फ़ाइदो कीअं वठणु घुरिजे हा मतिलबु मां पर्सन अगेन मुंहिंजो पर्सनल व्यू आहे मां सम्झा थो त सी पेक जे हवाले सां सिंधियुनि खे ऑर्गनाइज़ करणु घुरिजे ऐं पंहिंजे पाण खे रेडी करणु घुरिजे टू ड्रॉ सम बेनिफिट फ्रॉम अगेन मां चवंदो सी पेक आर नॉट फॉर एग्ज़ाम्पल थर में त 10-12 ब्लॉक अॻे ई डेवलप थियणा हुआ न इन्वेस्टमेंट त अचणी हुई न इंडस्ट्रियलाइजेशन बि थी सघे थी न हाणे इहे सभु शयूं पॉसिबल आहिनि छा करणु घुरिजे हिकिड़ो त सिंध खे क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स खपे थो अनफॉर्चुनेटली असांजा जेके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स आहिनि एकड़ बेकड़ खे छॾे उन्हनि जो हाल ॾाढो ख़राबु आहे सो वी रियली नीड टू टेक इट वेरी सीरियस त सिंध मां क्वालिटी जो ह्यूमन रिसोर्स ठहे छो त जेकर सी पेक जहिड़ा प्रोजेक्ट ईंदा द सर्विस सेक्टर वुड बिकम द डोमिनेटिंग सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऐं उहो जदीद ह्यूमन रिसोर्सनि जे लाइ खपे सो दैट इज़ वन डायमेंशन द सिंध नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐं हिनखे 24 कलाक पोलिटिकल एजेंडा बनाइणो पवंदो इट मे बी सेमाई स्किल्ड ही जेके वोकेशनल स्किल्स वारा थियनि था हाई एंड इंजीनियरिंग ऐं जेकी बि एडवांस टेक्नोलॉजीस थियनि थियूं उहो ह्यूमन रिसोर्स खपे ऐं ॿियो सिंध खे इन सदरन सिंध जे बेल्ट में इन्वेस्टर खपे पंहिंजो जेकर थरपारकर में या ठटे में अलॉन्ग द कोस्टल हाईवे जेको फ्यूचर जी डेवलपमेंट जो कॉरिडोर मूंखे इहो थो नज़र अचे नॉर्थ सिंध वग़ैरह में का वॾी मैसिव इन्वेस्टमेंट मूंखे थींदे नज़र नथी अचे नॉर्मली कोस्ट लाइन सभु खां घणियूं इकोनॉमी जे लिहाज़ खां इन्वेस्टमेंट जा हॉट स्पॉट्स हूंदा आहिनि हाणे उते इन्वेस्टमेंट खपे ऐं इन्वेस्टमेंट जेकर माण्हू वटि पैसा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल वटि कैपिटल कंहिं वटि को सभई बिलगेट्स थोरे हूंदा पर सिंध गवर्नमेंट जेकर सेंसिबली एक्ट करे त जेका सिंध बैंक आहे उनजे थ्रू स्पेशल क्रेडिट लाइन्स ऑफर करे सिंध जे लोकल माण्हुनि खे इन्वेस्टमेंट जे लाइ एट अ डिफरेंट स्केल मीडियम साइज़ जी जेका SMEs थियनि थियूं स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज़िस ऐं मे बी लार्ज स्केल जा जेके मिसाल तौरु जीअं अरबनि वटि आहे तव्हां इन्वेस्टमेंट कंदो पर उनजे लाइ सर्टेन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड कम फ्रॉम लोकल इवन तव्हांखे उनजे ब्याज ते ॾियणो पवंदो बट दोज आर दी सेफ गार्ड फॉर लोकल कम्यूनिटीज़ जेकर अहिड़े क़िस्म जी लेजिस्लेशन थिए त न एसेंशली तव्हांखे
लोकल मानू की हेतरी इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी आई डोंट सी इट रेडी हैपनिंग ए प्रोविजन को रूलर्स व पर सीपेक जड़ा मनसूबा जन अचन पे टाइम है जिसे टर्म्स निगोशिएट कर सकन था हिंसर स्टेट जहाँ इंट्रस्ट आन टर्म्स निगोशिएट कर थोड़ी घनी विलिंगनेस होंगी जैसे शूं सेटल डाउन थी बे साल नोबडी विल लिसन टू द सिंध गवर्नमेंट सो बो पासो है इन्वेस्टमेंट जो आई सी दीज टू मेन थिंग्स जैसे कंसंट्रेट कर मुते दोस्त सिंध में नाराज हूं तो तू अनड्यू ऑप्टिमिज्म तो पखड़ी या मुते चार्ज आ तो तू मानू के चीं तो बेहतर थी इट्स माय कन्विक्शन आई रियली फील देर आर रीजन्स टू बी होपफुल मोर रीजन्स टू बी होपफुल देन टू गो इन टू डिस्ट्रेस देर आर चैलेंजेस देर आर नेगेटिव आस्पेक्ट्स जिनसे पा गाल कई पर जेकर मां सिंध के 30 साल पुरानी सिंध के बेंचमार्क कर कंपेयर कंदुस देर आर रीजन्स टू बी मां न चंदुस त कंप्लेसेंसी जो पर अ डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन वन के नटेन कई शूं बेहतर थी सिंध में नेमली जर ह्यूमन रिसोर्स की लेवल कंपेयर क्यों सजे वन यूनिट के दौर में सिर्फ एकड़ो कमिश्नर सिंधी थो हो सिंध के अंदर आई सेक्रेटरी एकड़ो भी सिंधी न थो मोस्ट ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड डीएसपीज इन की पोजिशंस दे वुड कम फ्रॉम आउटसाइड लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स के अंदर मुझे ख्याल है की ब्यूरोक्रेसी की पोजिशंस से तहके 80-90% सिंधीज मिलन था हाँ इवन इन प्राइवेट सेक्टर देयर इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ जो सिंधी की कराची के अंदर इन्फ्लक्स सो वी कैन लिस्ट डाउन पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ सिंध एज वेल हे सिर्फ सीपेक फोकस्ड हो तो पान के थोड़ो टनल में रखो पर ब्रॉडर पिक्चर से गाइंदी तो आई सी लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी अगेन मां हमेशा दोस्त के चवंदो आहियां मुझे पंजो बिलीफ आ जै सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स करप्ट थी वे कोलेप्स थी वे परफॉर्म न करे बिहेव न करे उते सोसाइटी जो को भी सेगमेंट रिजल्ट को मे इट बी ब्यूरोक्रेसी मे दे बी एन जी ओज मे दे बी इंटेलिजेंशिया सिंध जो प्रॉब्लम या तो जो पॉलिटिकल मास है सिंध जो उनके सॉफ्टवेयर में बग्स अची वह सिंधी जैं इन पान के लिबरेट कर वरतो थ्रू एनी सिचुएशन में उनते को मतलब फोर्स टेलर ना है, कुछ भी नो ची सक शे स्ट्रीम्स में जनरेट थन्द आई सी लॉट ऑफ होप तो शूं शिफ्ट थन्द चेंज थन्द पीपल्स पार्टी क्यामत तीन एंडलेसली ये बिहेव कर सर्वाइव न कर सकती फॉर एग्जाम्पल मां ब हवाला दें तो जेतरी पीपल्स पार्टी अज सिंध में अनराइवल्ड लगे थी पंजाब में पंजवी साल अग उन ट्वाइस स्ट्रांगर हुई राउट थी वही कलकत्ते में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी लाइ कोचो भी न हो तो राउट थी इंडिया में कांग्रेस पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी तमाम स्ट्रांग पार्टी हुई सो एक स्टेज से अची टिपिंग पॉइंट जरूर इंदी इट्स अ लॉ ऑफ नेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस बिलीफ वह टिपिंग पॉइंट कदें किथा स्ट्राइक थी आई रियली कांट से तो नर्व किथे केर उनके टच कर पर मां उनमें सिम्पटम्स तो बुधा 2008 के इलेक्शन वक्त इफ यू रिकॉल असा सब मानू ऑलमोस्ट वन वॉइस पीपुल्स पार्टी की सपोर्ट में बीठा हुआ पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सेंटीमेंट को हो 90s में हुयो पर वो भी न हो तो मुतबादल खपे ये तनकीद कंदा वरी लही वा साल का वरी असा हीरो थी वा हुआ
2008 में इलेक्शन खां पोइ बि 2010 ताईं बि हिकिड़ी सिलम हो पई त अञा नवां आया आहिनि, ॿ साल थिया आहिनि, कुझु न कुझु कंदा, संभाले वेंदा फलाण. टिपिंग पॉइंट आई ही बिटो मकानी निज़ाम. दैट वॉज़ द फस्ट इंस्टेंस इन 2012 जॾहिं फस्ट टाइम एटलीस्ट मूं माण्हुनि में इहा अर्ज़ु ॾिठी त वी नीड टू हैव सम अल्टरनेटिव फोर्स. उन खां अॻु में अल्टरनेट फोर्स जी डिमांड न थींदी, पीपल्स पार्टी ते क्रिटिसिज़म थींदो हुयो. सो उन अल्टरनेट जी ख़्वाहिश जी उमिरि 5 साल आहे मैक्सिमम. वी आर टॉकिंग ऑफ अ जायंट जेका 40-45 सालनि खां उते मौजूदु आहे, 40 सालनि खां एटलीस्ट, जेका 4 भेरा हुकूमतूं वठी चुकी आहे या 5 भेरा. इस्टेब्लिशमेंट वटि अॼु बि एक्सेप्टेबल आहे, माण्हुनि में अॼु बि रूट्स अथसि, वोट ॾियनि था माण्हू, तव्हां हिन खां इनकार न करे सघंदो. रीज़न्स अपार्ट त छो था ॾियनि, पर माण्हू ॾियनि था वोट. इन अहिड़े वॾी देवहकल फोर्सिस खे जे असां ख़्वाहिश कयूं त 5 सालनि में टोड़े अल्टरनेट कढी ईंदासीं, मुंहिंजे नज़र में लिटिल नाइफ. इट विल टेक टाइम. हेॾे वॾे एंटिटी खे असांजी ख़्वाहिशूं हिकदमि सां न टोड़े सघंदियूं, पर मेजर लैंडमार्क अचीवमेंट इहा आहे त नाओ देर इज़ अलमोस्ट अ कंसेंसस त वी नीड सम अदर फोर्स इन सोसाइटी. इहा हाणे डिमांड इन ते को ॿ राया हाणे न रहिया आहिनि. So I see things will change over the period. Kadahin ki I can't really predict. Ma yo samjha to ta People's Party ya ta behave kandi ya na randi. Je hi jaka shayu na hi linearly na li sakandi. Maximum ekro Trump yo. Una ka mathe na li sakandi ya game. Jiyan jiyan election hai, voting hai, ye processes thinda, manu anya severely react kanda. So things will not just go like that as they are. हीअ जेके मिसिंग स्किल्स ऐं इन जी ॻाल्हि आहे, इहा बि अगेन असांजे गवर्नेंस जी पैदावार आहे. वाई वी डोंट हैव मैनेजरियल स्किल्स, वाई वी डोंट हैव क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स. जॾहिं तव्हां आंगूठे छाप मंज़ूर नज़र माण्हुनि खे वाइस चांसलर तौरु इंस्टॉल कराईंदो ऐं समूरा इदारा उन्हनि माण्हुनि जे हवाले करे छॾींदो, सेक्रेटरीज़ बोहे थींदा, जॉइंट सेक्रेटरीज़ बोहे थींदा, DIGs बोहे थींदा, त सॼी सोसाइटी खे क्राइसिस में हली वई आहे. इहा पॉइंट जहनी ऐं जीअं बि चेंज थी, यू विल सी अ रिवाइवल. छो त सोसाइटी न मुई आहे. हिकिड़ी जेका ख़ूबी आहे सिंधी सोसाइटी जी, एज़ अ सोसाइटी सिंधी सोसाइटी मुई कान्हे का. मिसाल तौरु पीपल्स पार्टी अहिड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट हुई न, ॿिटो मकानी निज़ाम में इहे ई सिंध जा माण्हू हुया न, पीपल्स पार्टीअ जा वोटर हुया न. विदिन 24 आवर्स दे हैड टू रिवर्स द डिसीशन. का वॾी नेशनलिस्ट लीडरशिप साम्हूं न आई, मैसिज रिएक्शन हुयो. उहा एनर्जी मौजूदु आहे सिंध में. कलंदर ते हिकिड़े ॾींहुं धमाको थिए थो, सुबुह जो 4 बजे माण्हू धमाल लाइ अचनि था. मां धमाल ऐं दरगाहुनि में बिलीफ या न बिलीफ जो डिबेट नथो करियां, मां सोसाइटीअ जे रेस्पॉन्स जी ॻाल्हि थो कयां. ॿियनि हंधि धमाका थियनि था, 6-6 ॾींहं माण्हू घरनि मां नथा निकिरनि. आउं सॼे पाकिस्तान में कमु कयां थो, मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस आहे. माण्हू डप में आहिनि, 24 कलाक धमाके खे न गुज़रिया. धमाल वक़्तु 7 जी तइदाद में माण्हू दरगाह में अची बीठा, जेके कंहिं पॉलिटिकल पार्टी जा कोन हुया, उन्हनि खे का बि लीडरशिप कान हुई, उन्हनि मां के बि इंटेलेक्चुअल्स कोन हुया. उन्हनि माण्हुनि अची चयो त धमाल थींदी. फॉर देम धमाल वॉज एन आइकन ऑफ रेजिस्टेंस. शिकारपुर में इमाम बारगाह ते धमाको थियो, 250 राइटर्स ऐं ॿिया माण्हू उन ई इमाम बारगाह जे साम्हूं 4 कलाक ॿिए 3 ॾींहंनि अंदरि धरणो हणी वेठा हुया, जिते कई असांजा दोस्त वेठा, जिन खे माण्हुनि चयो पियो त ख़ुदा खे मञो, उथो त वरी न को ॿियो सुसाइडर अचे. दैट इज़ दी रेस्पॉन्स. सो मूंखे कई शयूं सोसाइटीअ जे अंदरि हिकिड़ी एनर्जी नज़र थी अचे. वी जस्ट नीड अ सेन लीडरशिप. काइंड ऑफ अ भुट्टो, काइंड ऑफ अ भुट्टो, यस, समथिंग समथिंग.
इन खां वधीक डिप्रेसिंग सिनेरियो तव्हां वधीक सीनियर आहियो रिकॉल वन यूनिट लॻो पए कंहिंखे त सिंध हितां सर्वाइव कंदी रिकॉल ज़िया कंहिंखे लॻो पए त सिंध हुन मां सर्वाइव कंदी ब्रूटल क़िस्म जी किलिंग्स पहिरियूं MRD यू नो वाट नॉट 20 साल धाड़ियल तव्हां शाम जो 3 बजे खां पोइ कंहिं शहर में निकिरी न सघो इहो बि त दौरु असां ॾिठो तव्हां जाम सादिक जो दौरु रिकॉल करियो आई थिंक सिंध हैज़ सीन इट्स वर्स्ट बाय नाउ हींअर उहा सेपरेशन कान्हे उहो ज़ुल्म कोन्हनि खे कई शयूं असां वटि सोसाइटी में हिकिड़ी स्ट्रांग वाइब्रेंट मीडिया असां वटि अची चुकी आहे वाइब्रेंट मिडिल क्लास ग्रो कयो आहे 25-30 सालनि जे अंदरि फॉर एनी रीज़न्स सो आई सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट कुड हैपन यू आर राइट सम लीडरशिप NMM भुट्टो NMM GM सर NMM पलीजो NMM एनीथिंग वी आर वेटिंग फॉर अ टिपिंग पॉइंट बहितरीन नॉलेजेबल कचहरी थी ऐं वरी बि इन वाइदे सां तव्हांखे छॾींदासीं त जॾहिं बि ईंदो त रिवायत खे क़ाइमु रखंदासीं सामाइन सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूरोप पारां मुनक़िद कयल प्रोग्राम में क़ौमी दानिश्वर नसीर मेमण जो लेक्चर अव्हां जी ख़िदमत में पेश कयो वियो प्रोग्राम जी पुॼाणीअ ते पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओढो खे इजाज़त ॾींदा शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए सदाईंदड़ अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन